बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं, मैं हूं आपके साथ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार। हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और जिन मामलात पर और जिन मसाइल पर वो मुतहरिक हैं वो टोटली आवाम से कंसर्न है, बल्कि आम आवाम से कंसर्न है। फिर वो बात हो मेडिसिन की, फिर बात हो कचरे की, पानी की कमी की बात हो, ज़मीनों पर कब्ज़े की बात हो, और अब उन्होंने तालीमी निज़ाम पर कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और दीगर यूनिवर्सिटीज़ समेत कुछ वाइस चांसलर हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात नाज़रीन आपके सामने हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहब आज लंदन से वापस आ रहे हैं और कल वो एहतसाब अदालत में फिर से जो है वो हाजिर होंगे। छोटे मियाँ साहब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। अब देखना ये है, डिस्कस ये करना है, राय ये लेनी है अपने एनालिस्ट से कि क्या वो ये फैसले अकेले कर रहे हैं या फिर इसमें बड़े मियाँ साहब की मुशावरत शामिल है या फिर किसी और की मुशावरत शामिल है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे नाजी रोशनियों के शहर कराची की, जिसकी तमाम बत्तियां हमें गुल होती दिखाई दे रही हैं। इख्तदार की जंग में आम आवाम हम देख रहे हैं कि रुल कर रह गए हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना सफाई है, जिम्मेदार कौन है? और इसको ठीक करने के जो दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के सरबराहान की तरफ से, उनमें किस हद तक सच्चाई है और वो क्या पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जिन मेहमानों की हम राय लेंगे अपने इस प्रोग्राम, उनका तारुफ करवाती चलूँ। इरशद आरिफ साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। औरया मकबूल जान साहब से भी हम राय लेंगे इन तमाम तर मामलों पर, सर आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम तारिक पीरजादा साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इरशाद साहब, हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जिस केस को भी हाथ लगाते हैं दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें वो हमें लिथड़ा हुआ नज़र आता है, वो केस वो है करप्शन और सिफारिश। कहाँ गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दावे, बेहतरी के दावे, चाहे वो एजुकेशन की बेहतरी हो, चाहे वो आम सहूलियात में आवाम की बेहतरी हो, चाहे वो तालीमी निज़ाम की बेहतरी हो, हवा हो गए। देखिए, इसलिए कि ये दावे हकायक पर मबनी थे ही नहीं और ये आवाम के नुक्ते नज़र से नहीं थे, आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए थे। ये सारे के सारे इकदार हासिल करने का एक हरबा था और लोगों को पहले भी पता था। अभी देखिए ना, सारे वसाइल आप सड़कों पर लगा देंगे, फ्लाई ओवर्स पर लगा देंगे, तालीम के लिए जो मुख्तस वसाइल हैं वो उस पर ख़र्च नहीं करेंगे, सेहत के लिए नहीं करेंगे। एक कौम जो 21 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है, अगर उसके पास तालीम नहीं होगी, सेहत उसकी दुरुस्त नहीं होगी, तो वो एक लागर और एक बेकार चीज़ है जो सिर्फ अपनी रोटी और पानी के अलावा किसी बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसको शऊर ही नहीं है कि एक 22 करोड़ का मुल्क जो है उसको अक्वामे आलम में क्या मकाम मिलना चाहिए, इलाके में क्या मकाम मिलना चाहिए। यही हमारी जहालत पसंदी बल्कि जहालत परस्ती का नतीजा है कि पाकिस्तान जो किसी दौर में किसी ज़माने में भारत के बराबर उसको ट्रीट किया जाता था, अमेरिका या आलमी बिरादरी जो थी, आज हमें एक अफ़गानिस्तान के साथ ट्रीट किया जाता है। इसलिए कि हमने इल्म के शोबे में, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, रोज़गार के मामलात में कौम की इज़्ज़त नफ्स जो है उसको बरकरार रखने के लिए कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं, कोशिश की ही नहीं है। अब देखिए, और यानी बदकिस्मती ये है, बल्कि मैं इसको बदबख्ती कहूँगा अपनी लीडरशिप की, कि जो इदारा वो काम करना चाह रहा है ये काम उसका नहीं है, चीफ जस्टिस साहब का या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इन मानों में नहीं है कि जनाब ये इदारों को जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे महकमे हैं मुख्तलिफ, वो करें। और अदलिया का काम ये निगरानी करना होता है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो काम कराची को पानी देना हो, कराची के अवाम को, कराची के अवाम के सफाई का मामला हो, लाहौर और पंजाब में वाइस चांसलर की गैर कानूनी तकर्री हो। आप हैरान होंगे कि चंद साल पहले एक वाइस चांसलर साहब जो बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो डीजी खान यूनिवर्सिटी और मुल्तान यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर, तीन यूनिवर्सिटीज़ को हेड करते थे। और कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं जब कमिश्नर डीजी खान जो थे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी लगाए हुए थे। ये इसी पंजाब में हो चुका है, जहाँ पढ़ा लिखा पंजाब और पता नहीं कौन कौन सी तहरीकें चल चुकी हैं। तो जब हुक्मरानों की सोच का ये अंदाज़ हो कि वो तालीमी इदारों को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं और आला तालीमी इदारों को जिस तरह के वो अपने जो महकमे ज़ाती
नौयत के सरकारी अफसरान हैं उनको करते हूँ, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अफसोस हुआ, एक शेखुल जामे एक वाइस चांसलर है वो पेश हो अदालत के सामने, अफसोसनाक बात है। लेकिन हुआ क्या कि वाइस चांसलर के तकरर के लिए सर्च कमेटी ने 3 नाम पेश किए, एक नाम मुंतखब कर लिए गए, उनको बना दिया गया, अदालत में केस गया तो पता चला कि वो एलिजिबल नहीं थे। उसको जब हटाया गया तो बजाय इसके कि नए सिरे से नया वाइस चांसलर मुंतखब किया जाता, वो दो जो लोग रिजेक्ट हो चुके थे उन्हीं में से एक को कायम मुकाम लगा दिया। ना वाइस चांसलर साहब ने सोचा कि भाई मैं एक गैर कानूनी तकरर को कबूल कर रहा हूं, और ना लगाने वालों ने सोचा कि ये किसी न किसी चैलेंज होगा। ऐसे ये रूल से हटकर तमाम सारे मामलात ही खिलाफ जाब्ता, खिलाफ कानून, खिलाफ आइन। अब जब खिलाफ कानून आप काम करेंगे, खिलाफ आइन करेंगे, तो अदालतें तो फिर उसमें आएंगे और तजलील आपकी भी तजलील होगी, इदारों की भी तजलील होगी, और नुकसान हम देखते हैं कि अवाम का ही होता है। और ये सब पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो मंसूबे के लिए अलॉट कर दी गई है उसकी जमीन जो है, अगर कल को कोई ऐसा मंसूबा निकल आता है जिससे खुदा ना खास्ता ये जो है वो जरूर हो जाए करना, मतलब लाजिम हो जाए ऐसा करना कि पंजाब यूनिवर्सिटी को ही गिरा दिया जाए, तो इसके जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? क्या वजह है? क्या इसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि जड़ों को उखाड़ना मुश्किल हो रहा है? देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, बल्कि तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां जो हैं, ये गुज़श्ता तकरीबन 100 साल से जो कुछ कायम हैं, और उनका बकायदा एक सिंडिकेट, उनको बकायदा ऑटोनमस रखा गया था। वो किसी भी महकमा तालीम के उस तरह मातहत नहीं आती थी, बल्कि उनको एक गवर्निंग जो था, रूल्स थे, उसके तहत वो काम करते थे। सिर्फ उसको होता यह था कि एक वक्त पे वो जो गवर्नर होता था वो चांसलर होता था, और वो उनको वाइस चांसलर को नॉमिनेट करता था, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मुदाखलत नहीं करते थे। बुरे से बुरे डिक्टेटर भी रहे हैं ना, अमीर अहमद खान जैसे भी लोग रहे हैं ना अगर, तो या उसके बाद और भी जो रहे हैं लोग जो कि बादशाह की पैदावार थे, जो जर्नैल रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटियों के अंदर उस तरह मुदाखलत नहीं किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये जब इख्तियार जो है ये पंजाब की हुकूमत के पास, बाकी हुकूमतों के पास आया है, तो बदतरीन इसका जो मजाहरा है वो पंजाब के अंदर हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि वो ब्यूरोक्रेट जो कि एक मास्टर्स डिग्री होल्डर और उसका बीए डिग्री होल्डर हो, वो सर्च कमेटी का सरबराह हुआ करता था सेक्टरी एजुकेशन जो है, और सेक्टरी हायर एजुकेशन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता था पीएचडीज के, और ये हमारी आंखों के सामने हुआ है के वो लोग, और आप कभी उनको उनके अंदर देखें, वो लोग जो उन्होंने रखे हुए थे उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो हाई लेवल पे एजुकेशन लेवल पे क्वालिफाई करता हो। फिर उसके बाद ये था कि इन वाइस चांसलर उसको अपना दरबारी बनाकर और उसके तहत उनको उन्होंने पोस्ट किया। आप मेडिकल कॉलेजेस की यूनिवर्सिटियां बनी, आप उनके लोगों को देखें कि किस तरह रिश्तेदारियों की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने तालीमी इदारों को जो है वो उनको खराब किया। यानी ये तो वो लोग हैं कि बदतरीन मंगोल थे ना, वो भी अपने बेटों का तालीक मुकर्रर करते थे, तो कहते ये नहीं देखते थे कि मंगोल हो, वो कहते कि नहीं, जो बंदे को इल्म आता है बेशक हमारा दुश्मन हो, बेशक हमारा किसी और कौम से हो, उसको लाओ, उसको लेके आओ। सही। हम आज भी अब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम ये नहीं देखते कि हमारी रिश्तेदारी है उस बंदे के साथ। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर इल्म का सत्यानाश करने के लिए ये काम किया, और आज उसका नतीजा आपके सामने है कि वो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रीजन की यूनिवर्सिटी, हम जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते थे तो आप अंदाजा करें कम अज कम 20 मुल्कों के स्टूडेंट्स यहाँ पर इल्म हासिल करते थे। जो 2 नंबर हॉस्टल होता था उसको इंटरनेशनल हॉस्टल कहते थे, उसमें आपको फलस्तीन के लोग मिलते थे, इंडोनेशिया के मिलते थे, मलाइशिया के मिलते थे, उसके बाद आपको पूरे के पूरे गल्फ एरिया के अंदर, इवन यहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी आप अंदाजा करें लेबनान में थी, लेबनान के स्टूडेंट यहाँ पर फार्मेसी पढ़ने आते थे, इजिप्ट से लोग आते थे। ये थी हमारी हालत, और हमने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस जो है सुमोटो को रेफरेंस ले तो उसके मुदाखलत करता है, हालांकि बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस को ये इख्तियार जो है ये आईन ने दिया हुआ है। बिल्कुल सही। ये कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो चीफ जस्टिस कानून से बालातर कर रहा हो। ऐसा ही ठीक है। अच्छा पीरजादा सर फरमाइएगा, हम देखते हैं कि कहीं लैपटॉप स्कीम हमें नजर आती है जिसके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसके बाद दानिश स्कूल है, कहीं मैट्रिक तक फ्री निज़ाम तालीम के अनाउंसमेंट की जाती है, हकीकत तो अब खुल रही है ना, जब एहतसाब हो रहा है इनका, करप्शन तो अब खुलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है इन तमाम तर मामलात के बाद जहाँ इनकी अपनी फैमिली का भी एहतसाब हो रहा है और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है जब 2018 के इलेक्शन आने वाले हैं?
देखें पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के लोगों के पास जरा सा भी शऊर है 5 या 10%, तो एक एक शख्स को बच्चे से लेके बूढ़े तक को ये समझ आना चाहिए कि नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान करप्शन, बददियानती, खयानत और बेजाबतगी और कानून की खिलाफवर्जी और आईन शिकनी से इबारत है। आप ये देखें कि हमने अभी इस गुफ्तगू में सारी बातें की, पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कल की शायद ये बात है कि 80 कनाल ज़मीन उठाकर बिला किसी से पूछे वो किसी ग्रिड्स हुकूमत पंजाब को या किसको दे दी इन्होंने उठा के, वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी। आप देखिए क्या हो रहा है, वो उस्मा कुरैशी वो कहती है खुदा के लिए मुझे ना निकालें, यही आप ये देखें जो गैर कानूनी तौर पर जिसको जो वाइस चांसलर लगी हुई खातून है वो कह रही है चूंकि मुझे खुदा के लिए ना निकालें। अब देखिए दयानतदारी बिल्कुल ही नहीं है, बजाय इसके कि आगे जा आगे आकर किरदार का मुजाहरा हो वो, तो ये पंजाब वो ये सूरत हाल है। तो नवाज शरीफ के दौर में 61 अरब डॉलर से 2013 में जो कर्ज था वो 93 अरब डॉलर तक जून में हो जाएगा, ये IMF के ताज़ा तरीन एदाद शुमार हैं। ये बाहर के कर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो GDP के हिसाब से 270 अरब डॉलर का कर्ज मुल्की और गैर मुल्की बनता है, और पाकिस्तान की कुल GDP 320 अरब डॉलर के मुताबिक है अगर मिफ्ता इस्माइल की बात पर मैं 2 मिनट के लिए यकीन कर लूं। तो आप ये देखें, ये जो अभी आरिफ साहब ने बड़े बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया, इस सड़कों के ऊपर रुपया आपने खर्च किया, बात यह है साल सवा साल डेढ़ साल में पैसे चोरी करने का और कोई भी खजाने से तरीका नहीं हो सकता, और वो सड़कें ही हो सकती हैं। और सड़कों से मैं आपको एक बात जरा और बात जिक्र कर दूं कि जब शंघाई की बंदरगाह से सामान उसे क्या कहते हैं चीन के जहाजों पर चढ़ता है तो वो सामान किसी फैक्ट्री से बन के आया होता है और वो फैक्ट्री से बना हुआ सामान किसी सड़क से गुजर के आता है। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने ये लाहौर से उसे क्या कहते हैं पिंडी तक की मोटरवे बनाई थी, मैं कहता हूँ बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, लेकिन उन्होंने एक वादा भी किया था उसके साथ कि सड़क के एक तरफ 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट होंगी और सड़क के दूसरी तरफ 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट होंगी। ये मियां साहब का उस जमाने का वादा याद दिला रहा हूँ, लेकिन साइकिल बनाने साइकिल के टायर भी ठीक करने की वर्कशॉप नहीं है उनके इर्द गिर्द। लेकिन जो फायदा उन्होंने हासिल करना था वो तो कर लिया ना पीरजादा साहब, हुकूमतें करें और प्रायोरिटीज भी उनकी वही है। इरशाद सर फरमाइएगा, उनको नवाजने का पड़ा है, इसको मुआफ करने वालों को इसको एक मिनट इसको मुआफ करके डाके को मुआफ करने वालों की इस दुनिया और आखिरत दोनों में पनागा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इरशाद साहब, अपनों को नवाजने का हम देखते हैं जो पैंतरा नून लीग ने या शरीफ फैमिली ने अपनाया हुआ है, क्या वो हमें किसी और पार्टी में भी नजर आता है या बाकी पार्टीज आ रही हैं इस तमाम तर मामलात से? नहीं नहीं, माशाल्लाह आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी ने कोई कमी छोड़ी है या असफंद यारवली साहब की पार्टी ने कमी छोड़ी है? एम क्यू एम ने तो पूरा यानी कराची को जराइम की पनागा बना दिया, जराइम का अड्डा बना दिया और भत्ता खोरी, अगवा, बराए तावान सब कुछ करके। माशाल्लाह जिन पार्टियों को अब तक इख्तियार मिला है पिछले 30 साल में उन सब ने इस मुल्क को लूटा है, अकरबा परवरी की है। कायद अजम ने 11 अगस्त की तकरीर में हमें ये दानश्वर जो सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर हैं वो सेकुलरिज्म की तो हमें सुनाते हैं कि जी कायद अजम थे, ये नहीं सुनाते कि उन्होंने कहा था कि मुझे खदशा ये है कि इस मुल्क में बदनुमानी होगी, अकरबा परवरी होगी, दोस्त नवाजी होगी और मैं इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस मुल्क में वो सब कुछ हुआ जो कायद अजम नहीं चाहते थे, जो जो कुर्बानियाँ देने वाले मुसलमान जो थे पाकिस्तान के लिए वो नहीं चाहते थे, और इन हमारे लीडरान ने वो सब कुछ कर छोड़ा। फिर जब रोना रोया जाता है कि जनाब यहाँ फौज आ जाती है, यहाँ जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो जाता है, जब आप खला पैदा करेंगे आपका कोई एहतराम नहीं होगा, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आप अपने ख़ानदान से बाहर अपने दोस्तों से बाहर सोचेंगे नहीं, तो फिर आपको जो भी जूते मार के निकाले के इकदार से लोग तो तालियां बजाएंगे, मिठाइयां तकसीम करेंगे। अब इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो सब कुछ हमें पिछले चंद माह में नज़र आया है, पंजाब एक अमन का जजीरा बना हुआ था, एक तरक्की मिसाली तरक्की इस मुल्क में हो रही थी, पंजाब में हो रही थी और मिसालें दी जा रही थी, पंजाब स्पीड वो कहाँ है पंजाब स्पीड? ये लाहौर के जो मामलात चीफ जस्टिस साहब के सामने आए हैं
और पता चला है कि जी पीने का साफ पानी नहीं है, पता चला है यूनिवर्सिटियों में जो है वो दोस्त नवाजी हो रही है और नेपटिज्म हो रहा है, और पता चल रहा है कि जनाब वाला हस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। कल चीफ जस्टिस साहब और मरकजिया मजलिस इकबाल की तकरीब में थे, उन्होंने कहा 1300 दवाइयां हैं ज़रूरी और कई साल से केस अटका हुआ है और जनाब उसको मंजूरी नहीं दी जा नहीं रही दी जा रही बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि गरीब अवाम जो हैं, या अवाम गरीब नहीं, अवाम जो हैं इस हकूमत की, इस मुजरिम अशराफिया की, जिसे लोग बदमाशिया कहते हैं, तरजीह ही नहीं है, बिल्कुल प्रायोरिटीज में नहीं आते, प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। जब भी कोई शख्स अवाम की बात करेगा, खा वो चीफ जस्टिस होगा कोई होगा, ये वो इन्हें बुरा ही लगेगा। अशराफिया है, ये जो मुजरिम माफिया है, ये उसके पीछे पड़ जाएगा जिस तरह आप पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उन लोगों पर आता है, ये तो बेनिफिशियरी हैं। इरशाद साहब, आपकी यही बात हम औरिया साहब की जानिब लेके चलते हैं। औरिया मकबूल साहब, इसका मतलब है फिर बाकी पार्टीज तो इससे आ रही नहीं है ना, उनमें भी करप्शन है क्या? फिर नून लीग के बाद अब बाकी जो पुरानी पार्टीज हैं वो भी फिर तैयार रहे अब एहतसाब के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनके केस तो अभी भी पाइपलाइन में हैं और पेंडिंग में हैं, और वो सारे के सारे केस जो हैं अगर एक अदालत से ख़त्म हो गया तो आगे अदालतें मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर ये जो गुज़श्ता 5 से बल्कि 10 साल हो गए अब तो जो गुजरे हैं, इस 10 सालों में जो कॉम्प्रोमाइज़ था, उस कॉम्प्रोमाइज़ इसी बात पर था कि हम एक दूसरे के केसेस को ख़त्म करने में फैसिलिटेट करेंगे। आप अंदाजा करें ना कि वाचिद शमतुल हसन ने, जिस वक्त उन्होंने अपना वज़ीर आज़म जो गिलानी ने ख़त नहीं लिखा था, तो उस वक्त हुआ जाए का तो एक वक्त गुजरा और वक्त जब गुजर गया तो वो उसमें स्विट्जरलैंड में वो केस खत्म हो गया और वाजिद वो सारे के सारे कागजात जो है वो उठा के वो ले गए, और उसके साथ यहां पर भी जो उसके मामला थे वो भी इसी तरह के, इस तरह की सूरत हाल थी कि जो जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुए और नैप ने प्रोसिक्यूशन नहीं किया, खत्म हो गया, आगे अपील के अंदर किया जा सकता। एक तो ये चीज है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि 1-5 साल की सजा जो थी वो दस्तर सरदारी और मेरेदिल भुट्टो को भी थी, जो कि एनआरओ के तहत माफ हुई हुई है। अब वो एनआरओ के तहत आपने माफ कर लिया है, लेकिन दर बात है जुर्म तो अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह वहां की असफंजार वली का जो ट्रेड था 5 साल का, इवन एमएमए का दौरान भी उनकी करप्शन के भी अपनी एक लंबी दास्ताने हैं। ये नहीं कहा जाता कि मौलाना फजल रहमान जो है उसकी पार्टी जो है उसका दामन साफ है। ये सारे का सारा डिमांड करता है कि एक बहुत ऐसा स्ट्रिक्ट एहतसाब हो इस मुल्क के अंदर, और ऐसा हो कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, खसूटा है, उससे पैसा वापस लिया जाए। क्योंकि बुनियादी तौर पर मसला यह है कि पाकिस्तान का मसला जो है वो यहाँ की ना तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ना खराबी। आप देखें ना, 1947 से पहले बरसगीर पाको हिंद में ज्यादा से ज्यादा 9% टोटल टैक्सेस बनते थे, मालिया बियाना ये मिला मिलू के मैक्सिमम कभी कभी 11% बनते थे। 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया था उन लोगों ने कभी अंग्रेजों ने, यहां पर हुकूमत करते हुए शानदार किस्म का रेलवे का निजाम यहां पर बनाया उन्होंने, इरिगेशन का बेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम यहां पर बनाया, माल रोड की इमारतें देख लें, आज दोबारा बनाने चले तो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल सही। उसके साथ जानवरों के अस्पताल, इंसानों के अस्पताल। अब इसका मतलब यह है कि पैसा आज भी मौजूद है, लेकिन सारे का सारा जो है वो इस मुल्क से बाहर जा रहा है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, मुल्क के अंदर लगेगा तो ये तमाम मामला पैदा ही नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, तारिक मिर्ज़ादा साहब की जानिब आएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे ये बात जानेंगे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो तब्दीलियां आ रही हैं, 2 सूबों में जो हम तब्दीलियां आई हैं, क्या छोटे मियाँ साहब इतने बाइख्तियार हो गए हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इरशाद साहब पहले आपके जाने आना चाहूंगी, फरमाइएगा कि जो तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इलेक्शन भी करीब है ऊपर से, और मियां साहब का जो फैसला आने वाला है एहतसाब अदालत से वो भी करीब ही है, क्या देख रहे हैं आप, क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2018 इलेक्शन में? देखिए, बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अगर 28 जुलाई के बाद मौका मिल जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मेरा अंदाज़ा है। अगरचे मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग में शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं, लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, उन्हीं की पूजा होती है, पस्तिश होती है, लेकिन
अब जो सूरत हाल है, शबाशी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो सिवाय इसके कि जो रही सही कसर है वो पूरी कर दें, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि शबाशी साहब के अंदर वो अहलियत सलाहियत भी नहीं है जो मियाँ नवाज़ साहब में है, कि कम अज़ कम उनका अपने जो साथी होते हैं या एक हल्का है उनका उसके सर पर हाथ रखते हैं और उनके साथ बेहतर अंदाज में वो पेश आते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो मर्दुम आज़ार शख्स के तौर पर मशहूर हैं। दूसरा जो मसला है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब लीडर बन ही नहीं सकते, ना नवाज शरीफ चाहेंगे, ना मरियम नवाज़ चाहेंगी, ना कुलसुम नवाज चाहेंगी। ये भी एक बहुत बड़ी, और उन्हें कदम कदम पर नवाज शरीफ की मुखालफत का मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। सही। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग पोजीशन ले चुके हैं, जो इदारे पोजीशन ले चुके हैं मुस्लिम लीग के लोग, जिन्होंने कमिटमेंट कर ली है तहरीक इंसाफ के साथ, या इश्यूज़ पर जो इख्तलाफात उभर कर सामने हैं, अब उनके लिए वापस आना मैं नहीं समझता कि आसान होगा। इसी तरह अब अदलिया भी यानी केसेस ख़त्म कर दे, नैब भी पीछे हट जाए, फौज जो है वो भी इनकी सरपरस्ती शुरू कर दे, ये नामुमकिनात में से है। और आपको मालूम है कि इदारों की सरपरस्ती के बगैर मियां नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग ने एक दिन भी सियासत नहीं की। ये अपने बलबूते पर सियासत 8 महीने में की है, उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कोशिश उनकी ज़रूर है, और वो शायद नवाज शरीफ साहब के साथ मशावरत के बाद वो उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर रहे हैं जो जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग इस और शरीफ ख़ानदान इस मकाम पर पहुंचा है कि वो नए हाथ बाग पर है, नए पाह रकाब में की कैफियत है। बिल्कुल सही। क्योंकि जिन लोगों ने मियां साहब को कहा कि मियां साहब बस आप अकबर आज़म से बड़े हुक्मरान हैं और अरस्तू से बड़े आप दानश्वर हैं और अब्राहम लंकन से बड़े आप जमहूरियत पसंद बन गए हैं, तो वो खुशामदी जो थे उनको हटाना शबाशी से साहब की मजबूरी है। अगर वो नहीं हटाते तो वो अपना ये बयानिया आगे नहीं बढ़ा सकते कि जी मैं इदारों के साथ मुफामत के हक में हूँ। ठीक है। अब ये देखिए ना, जनाब जहरी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ थे, सनाउल्लाह जहरी साहब के मियाँ साहब डटे रहे हैं। जब अपनी बारी आई, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश की हुई, तो वो डटे नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था वो एक नवाब टाइप आदमी हैं, सरदार हैं, कि असम्बली में मुझ पर इल्ज़ामात लगेंगे और मैं अपने कबीले को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने हल्के वो पीछे हट के इज्जतदार आदमी थे। नवाज शरीफ को लेकिन उन्होंने कायम रखा कि आप जितनी भी लान तान होती रहे आप डटे रहे, खुद पीछे हट गए। तो मेरे ख्याल हटाना पड़ेगा और वो हटा रहे हैं। ठीक है फिरदाद साहब, जिस तरह से इरशाद साहब फरमा रहे हैं कि सलाहियत इतनी नहीं है छोटे मियां साहब में कि वो इस तरह के स्टेप ले सकें, लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्या आपकी नज़र में छोटे मियाँ साहब इतने बाख्तियार हो गए हैं कि वो इतने बड़े बड़े फैसले ले सकें, या फिर मियाँ साहब की मुशावरत से हो रहा है या फिर किसी और की मुशावरत से हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, इस ख़ानदान का जो निज़ाम है, जिस तरह ये चलता रहा है पिछले 20-25 साल से, उसमें तो इनके ख़ानदानी निज़ाम में बड़े भाईजान मुस्तरद शुदा और डिस्ग्रेस्ड नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बग़ैर शहबाज शरीफ कोई भी काम नहीं कर सकता, और उन्होंने ही इनको मुकर्रर फरमाया है। ज़रा गौर से देखें सूरत हाल क्या है, और ये इस पार्टी के लिए डूब मरने का मकाम है कि एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दिया है, और आप आईने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से की खिलाफ वर्जी करते हुए उसी नाअहल वज़ीर आज़म को इख्तियार दे रहे हैं कि वो पार्टी का सरबराह मुकर्र करे। और ये जितने पाकिस्तान के पंजाब के सियासतदान हैं जो अभी तक उस पार्टी में शामिल हैं, मुझे नहीं पता कि ये किस कुमाश के लोग हैं। खुदा की कसम, रंजीत सिंह की काबीना में भी शायद 2-4 लोग थोड़ी सी हया और गैरत का मुजाहरा कर लेते। जब आपको सजा हो जाती है तो सजा हो जाती है। अदालती निजाम इंसानी तारीख में कोई आज पैदा नहीं हुआ। अदालतों के फैसलों की तकरीम मुसलमानों की तारीख में तो खास तौर पर बड़े ही पैमाने पर बहुत ही मुकद्दस अंदाज में होती रही है, और उसको चैलेंज करने का रवाज हमारे यहाँ कभी भी नहीं रहा, अंग्रेज के दौर में भी नहीं रहा, यहाँ अब से कुछ अरसे पहले भी नहीं रहा। वो वार्षला के कुछ तो अदवार आए जिनमें ये वाकया हुआ, तो वो जबरदस्ती हुआ है।
सही, वो भी जरा जहन में बात याद रख लें। तो अब जब क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नवाज शरीफ मुस्तरद हो चुका है, तो उसके बाद उनके लगाए हुए आदमी को कबूल करना जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो तो बजाय खुद मेरे लिए तो बड़ी शर्म की बात है। मेरी है। कोई जाती दुश्मनी नहीं है इस खानदान से, लेकिन जब आप आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए हुक्मरानी का चिराग जलाने की कोशिश करेंगे तो वो चिराग जो है पाकिस्तान के इख्तदार के ऐवानों को जला देगा। पाकिस्तान में आईन का निजाम, जो आईनी निजाम इतना मुस्तहकम अभी नहीं हुआ है कि आप इसको सिविल सियासतदान इसको हिलाने की कोशिश करते रहे और ये मुतजलजल हुए बगैर आगे चलता रहे। ठीक है, और ये सब अहदेदारान की तब्दीलियां हो रही है, हम देख रहे हैं नए पार्टी सदर आ रहे हैं सूबों में, इन तमाम तरह हालात में अगर मियां नवाज शरीफ साहब जेल चले जाते हैं, उनका क्योंकि फैसला भी आने वाला है, फिर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? क्या लोग जो हैं, क्या जो वोटर्स हैं वो मियां शहबाज शरीफ पर रिलाय कर पाएंगे, या उनकी भी उतनी शोहरत है जितनी मियां नवाज शरीफ साहब की? गो के अब हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की शोहरत भी खासी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। देखें, हर पार्टी और हर लीडरशिप की एक बुनियादी तस्वर होता है और उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है कि वो किस किस्म की पार्टी है। कुछ पार्टियां हैं कि जो बनती एजिटेशनल पार्टियां, पाकिस्तान के अंदर उन पार्टियों की तारीख है, मतलब अहरार बनी थी, मतलब खाकसार बनी थी, मतलब से सुरखपोश थी और बहुत सारी पार्टियां थी। कुछ पार्टियां होती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जद्दोजहद के हिसाब के लिए बनती हैं, जैसे मुस्लिम लीग बनी थी, उन्होंने बकायदा जुलूस भी निकाले कॉन्स्टिट्यूशनल जद्दोजहद की। नवाज शरीफ साहब का मामला यह है कि ये पार्टी जो है, ये चूचू का मुरब्बा जो है, ये इस तरह की बनी है कि इस मुल्क के अंदर जितने लोग ऐसे थे कि जिनके पास अपने कुछ जाती वोट थे, कुछ थे इस तरह की चीज थी, उनकी सीटें मौजूद थी, उन्होंने वो उन सीटों से इकट्ठा करके उन्होंने आगे आके एक पार्टी के ज्वाइन किया। और ये नवाज शरीफ के साथ नहीं थे, ये पहले जुनेजो के साथ थे, जुनेजो से पहले कन्वेंशन मुस्लिम लीग के साथ थे, कन्वेंशन मुस्लिम लीग से पहले रिपब्लिकन के साथ थे, उसके बाद बीच में पीवर पार्टी में भी हुआ है, यात्रा करके आ गए, वहां से वापस आके किसी और काफ लीग में चले गए, वहां से यात्रा करके वापस आ गए, गंगा नहाते रहे हैं, इनकी अपनी अलग अलग गंगा है। अब ये पार्टी का मिजाज नहीं है कि उनका लीडर जेल जाए और ये उसके लिए एजिटेशन करें और ये उसके लिए जुलूस निकालें। ये तो वो लोग हैं कि इनके लीडर जो है, जिस वक्त वो अपना आया था सऊदी अरब से, नवाज शरीफ वापस आया था और उसको वापस भेज दिया गया था, इस दौरान सारे नून लीग के बंदे डिप्टी कमिश्नरों के पास, एसपी के पास साथी रिक्वेस्ट करते थे, यार रात को छापा मारना, मुझे गिरफ्तार कर लेना तो कल तक मुझे जुलूस में जाना ना पड़े, क्योंकि अगर मैं जाहिर हुआ तो गिला होगा कि आप तो बाहर थे, आप जुलूस में नहीं आ सके। तो ये तो मिजाज नहीं है इनका, ना एजिटेशन का मिजाज है। ये जो बड़के मारते हैं ना खड़े होके कि मैं जहां से भी आवाज दू तो माना, वो जहां से आवाज जाए वो सुनाई भी नहीं देनी किसी को, और एक तसव्वुर ही नहीं है इनका। वर्कर और तरह का, और तरह का वर्कर है इनका। वर्कर वो है कि वो चाहे जो टेंट ला सकता है, सुजुकियां ला सकता है, देगे ला सकता है, कीमे वाले पराठे ला सकता है, लेकिन जुलूस नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, ये जुलूस की इन्होंने कभी ट्रेनिंग की है ना, खुद इनकी कोई ट्रेनिंग है। इजाज बटालवी साहब मरहूम बताया करते थे कि मैं बड़ी शर्मिंदगी होती थी जब ये पेशी होती थी और दोनों भाई मिलते थे तो आपस में मिलकर इतना रोते थे कि मैं खुद मुंह दूसरे तरफ कर लेता था। और ये सब मुझे ब्रेक की तरफ जाने वाले लोग नहीं है, बढ़ के ठीक है। मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा और ये साहब की कि जी कीमे वाले नान ला सकते हैं, नहीं कीमे वाले नान खा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। नाज़िम, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक और बड़ा मशकूक कैरेक्टर है चौधरी निसार साहब, उन पर भी हम बात करेंगे, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है, और कराची के मसाइल पर भी बात करेंगे। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इरशाद साहब, पहले तो चौधरी निसार साहब का स्टेटस जानना चाहूंगी, बड़ा मशकूक है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कहीं मियां साहब के जाने का तो इंतजार नहीं कर रहे जो उनका फैसला आने वाला है, उसके बाद कोई वो बड़ा फैसला करेंगे? और दूसरी बात मैं आपसे कराची के मसाल पर करना चाहूंगी, MQM है, पीपल्स पार्टी है, अब तहरीक इंसाफ भी वहां से दावे करती नजर आ रही है, छोटे मियाँ साहब भी दावे करते नजर आ रहे हैं न्यूयॉर्क बना देंगे इसको, आखिर कराची का खैरखा है कौन? 2018 में कोई खैरखा बन सकेगा या नहीं?
देखिए, जहाँ तक चौधरी निसाली खान साहब का के बारे में मेरी राय का ताल्लुक है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मैं तो समझता हूँ वो बस मिस कर चुके हैं, उनमें कुव्वत फैसला नहीं थी। अगर 28 जुलाई के फैसले के बाद वो खड़े हो जाते और एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, अगर वो स्टैंड लेते नवाज शरीफ के मुकाबले में कि बस जो होनी थी हो चुकी, आपको अदालत उज़्मा ने नाअहल करार दिया है, आपको करप्ट करार दिया है, आपको सादिक और अमीन नहीं समझा, अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, लेकिन वो इंतज़ार में रहे और अब मेरा ख्याल है कि वो अब ये हो सकता है कि वो ऐसे इंतज़ार में हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हो जाएँ, गलियाँ हो जाएँ सुनियाँ, फिर विच मिर्ज़ा यार फिरे कि फिर उसके बाद बची खुची मुस्लिम लीग को संभाल सकें। अदरवाइज मुझे तो कोई उनसे उम्मीद नहीं है कि वो मुस्लिम लीग को संभाल सकते हैं या वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है। कराची का मामला ये है, एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के लिए पुरकशिश हुआ करता था। लोग यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे ओरिया साहब, इसी तरह कराची में भी आपको हर रंग के, हर नस्ल के, हर मुल्क के बाशिंदे नज़र आते थे। एक साफ़ सुथरा शहर था, रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके थे, उसको बर्बाद किया है दो पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी है और एमक्यूएम है, और जानबूझकर बर्बाद किया है। ये नहीं है कि भाई ऐसे इत्तेफाकन हो गया, ये नाअहली भी नहीं थी, ये जानबूझ के लूटा गया है, और लूटने के अलावा आवाम को जान और माल उनकी को जो बर्बाद की गई है उसके लिए खतरात पैदा किए हैं कि उनको, और उसके अलावा ये है कि वहाँ उसको एक जो है कचरे का ढेर बना दिया गया है, ये जानबूझकर हुआ है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मेरा तो ख्याल ये है कि अब कम से कम एक कमीशन ये भी बनना चाहिए कि कराची के साथ मुल्क के सबसे बड़े माशी हब के साथ जो जिन लोगों ने सलूक किया उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब 18 में तवक्को ये करनी चाहिए कि अवाम भी वो गलती नहीं करेंगे। मैं अवाम के हवाले से भी हमेशा ये कहा करता हूँ, ये बाशऊर अवाम, बाशऊर अवाम, ये सबसे बड़ा धोखा है। अवाम ने हमेशा जो मुजरिम है, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो अवाम को अदा करना होगा। ठीक है, ठीक है अर्शद साहब, हमें डिप्टी मेयर कराची अर्शद वोरा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अर्शद वोरा साहब, जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, ना पानी है वहां पर, ना बिजली है, और गंदगी जो है वो इंतहा को है। यहाँ पर हम देखते हैं एमक्यूएम भी इकतदार में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिंध में इकतदार में, लेकिन काम उनका क्या है? एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाना और ये इल्जाम भी लगाना कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। 2018 में अवाम का रिएक्शन क्या होगा इस पर? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है हमें कराची में इस बार? देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लोगों की पास हिस्ट्री सबकी सामने है, और जिस तरीके से जो अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात थी कि एक कमीशन वाकई बनना चाहिए। मैं मुझे पता नहीं कौन साहब ये बात कर रहे थे, लेकिन बहुत मुनासिब बात, इरशाद आरिफ साहब, कि एक कमीशन बनना चाहिए वाकई, और ये जो भी फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है कराची के साथ, चाहे वो पॉलिटिकली हुआ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हुआ हो, जिसकी भी नीयत खराब थी, उस चीज का अब तदारुक करने का वक्त ही आ गया है। उसको प्रॉपरली उसका तदारुक करना चाहिए, जिन लोगों को, ईमानदार लोगों के सिपुर्द जो है कराची को सौंपना चाहिए, और कराची में जो इश्यूज हैं, चाहे वो कचरे का हो, पानी का हो, कच्ची आबादी, कराची में कच्ची आबादी जो है 55% आपका शहर जो वो कच्ची आबादी है, इसका मतलब ये कि विदाउट एनी प्लानिंग जो है वो इलाके डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इन चीजों को प्रॉपरली मैनेज ना किया गया, जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों की मिसालें हैं कि कच्ची आबादी को एड्रेस करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की गई कच्ची आबादी की, तो इसी तरीके से आप देखें तो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, मतलब आप यू नेम इट, कौन सा ऐसा महकमा है, कौन सा ऐसा इदारा है जो कि ठीक है, सब लोगों ने मिलजुल कर लूटा है और हकीकतन लूटा है, और उसके जो है ना सबूत भी मौजूद है। और फिर उसके बाद देखें, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात कही कि हमने अरबों खरबों दिया। अरे भाई, आप 5 साल में आपने वफाक में इस शहर को सिर्फ एक 25 अरब का ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया, एक लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो 15 साल में जाके मुकम्मल हो रहा है। मतलब आप देखें हाइट है इन चीजों की, कि बिल्कुल कराची को इग्नोर किया गया है, कराची के साथ तो वो सलूक किया गया है, सौतेला का लफ्ज भी शायद बहुत छोटा है, और अब वक्त आ गया है कराची में अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट की, जिस
طرح سے ریکوائرمنٹ ہے, لوگ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد ورا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ صحیح تو صوبائی حکومتوں کی بات ٹھہری نا, جو وفاقی حکومت ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف چھ ماہ میں ہم اس کو نیو یارک بنا دیں گے. ارے بھائی, اتنے سال تھے آپ کے پاس جب آپ وفاق میں تھے, اور پنجاب میں بھی آپ پنجاب کی آپ مثالیں دیتے ہیں, تو تب یہ ریفارم کیوں نہ لے کے آ سکے, تب یہ ٹرانسفارمیشن کیوں نہ ہو سکی, تب یہ تبدیلیاں کیوں نہ ہو سکی. اب اگلے پانچ سالوں میں یا 2018 کے الیکشن میں ایسا آپ کیا کر دیں گے جو آپ اس کو نیو یارک بنا دیں گے؟ دیکھیں, جھوٹ بولتے ہیں. کراچی ایک ایسا بدقسمت شہر ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا ملک جس کا پورٹ سٹی ہو اور اس کے اندر اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو, اتنا بدنما ہو جائے, ناممکنات میں سے ہے. جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پر ایک سکرت ماحول خود بد کلینلینس کی طرف جاتا ہی جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ سیالکوٹ کی, کراچی کے بعد اگر کوئی ایکسپورٹ کی کوالٹی کے لیول کی کہیں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سیالکوٹ میں ہوتی ہے. اس شہر کے لوگوں نے اپنی سڑکیں خود بنائی ہیں اور اپنا ایئرپورٹ بھی خود بنایا. ایئرپورٹ بنانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, انہوں نے اپنا ایئرپورٹ خود بنایا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کراچی میں اتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اور ہو سکتا تھا, لیکن وہاں بھتا اکٹھا کیا گیا, ٹیکس اکٹھا نہیں کیا گیا. یہ ہے کراچی کی بدقسمتی. کراچی کے اندر دیکھیں جس قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے, جو کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھے, جو کہ ملازم پیشہ لوگ تھے, جو کہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ایجیٹیشنل ہو سکتے تھے, ان سے بڑی آسانی سے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے. جو کمفرٹیبل لیونگ رکھتے ہیں ان کو اگر آپ پانی دیتے ہیں, اگر آپ بجلی دیتے ہیں, تو ان سے اس کی قیمت بھی وصول کر سکتے ہیں. یہ ان شہروں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے جہاں سے آپ پانی کی یا بجلی کی قیمت وصول نہ کر سکے. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا, بالکل ناکام ہو, بحثیت سیاستدان ناکام. ٹھیک ہے, اچھا طارق مرزا صاحب, ٹائم چونکہ کم ہے, آپ کا بھی کمنٹ میں ضرور لینا چاہوں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم کے ایم اور نون لیگ ممکنہ طور پر ایک ہونے جا رہے ہیں سندھ میں, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ممکنہ طور پر, میں بات کروں کہ ایک ہونے جا رہے ہیں. آئندہ سندھ کا تاج کس کے سر پر سجتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں اس پارٹی کے ذریعے, اور یہ پارٹی اس وقت تین پارٹیوں میں تقسیم ہے پاکستان کے اندر. کراچی سکھر حیدرآباد اور دوسرے علاقے جہاں جہاں اردو بولنے والوں کی اور دیگر لوگوں کی آبادیاں ہیں جو مقامی سندھی لوگ نہیں ہیں, مکمل طور پر سیاسی معنوں میں یتیم ہو چکا ہے. کوئی قیادت موجود نہیں ہے, اور جب 3 کروڑ لوگوں کے پاس اپنی قیادت موجود نہ ہو تو اس سے زیادہ خطرناک سیاسی صورتحال کسی بھی ملک میں نہیں ہوا کرتی. یہ بات بہت سے لوگوں کے سوچنے کے لیے ہے. سب ٹائم چونکہ کم ہے, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. ناظرین, آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. طارق مرزادہ صاحب, اوریا مقبول جان صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب, اب سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.